बैतूल में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कृषक प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों के प्रति जागरूकता के लिए किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल के कृषि चौपाल अभियान की जमकर प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भविष्य में बैतूल उन्नत खेती के लिए पूरे देश में आदर्श होगा। किसान आंदोलन को लेकर किए गए सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ किसान साथियों की नाराजगी को किसान आंदोलन नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि बैतूल में तो किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार अपनी ओर से समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई सो ही रहा है तो उसे कैसे समझाया जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान ने कृषि मंत्री कमल पटेल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से चौपाल लगाकर किसानों को कृषि कानूनों का फायदा बताना शुरू किया है वह प्रशंसनीय है और इसके चलते प्रदेश में किसान आंदोलन नहीं पनप सका। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरियाणा में भी किसान चौपाल लगाकर कृषि कानून के फायदे बताए। यह किसानों से संवाद का प्रभावी माध्यम है। इस अभियान में तेजी लाकर देश में कोने कोने तक किसानों के बीच पहुंचना जरूरी है। कानूनों में कोई खामी होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता देश भर के किसानों का कल्याण है, इसे चंद किसानों के विरोध और दबाव में वापस नहीं लिया जा सकता। फिर मैं आपको निवेदन करूंगा, चंद मित्रों की असहमति को किसान आंदोलन करके बैतूल जिले में है क्या? मध्य प्रदेश की माननीय कृषि मंत्री मेरे साथ थे, वो मेरे पास अपने अनुभव बता रहे थे। हम तो सीधी बात करें, देश भर में गांव गांव जाके कह पा रहे हैं, क्या देश के किसान अगर एक छोटे बाजार में कपड़े वाला अपने चॉइस से कपड़ा बिक्री कर सकता है, खरीदने वाला खरीद सकता है, ऊर्जा खेती को किसान लेके किसान क्यों नहीं बिक्री कर सकता है अपने उपज को? इस किसान नीति में तो हमने यही व्यवस्था रखा है। चंद लोगों को अपन समझा क्यों नहीं? हम समझाए, प्रजातंत्र में देखो जो सोए रहेगा उसको समझाना थोड़ा दिक्कत होती है। हम तो समझाएंगे, प्रजातंत्र में समझाना बात संवाद, कृषि मंत्री जी ने कई दोहरा कई राउंड्स की बात किया, हम करते रहेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।